एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो जो वो चीजें मैंने लिखी हुई है। टॉपिक्स हमारा बेसिक्स है, फैक्टराइजेशन मेथड और नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, मैंने आप लोगों को जब चैप्टर 3 बताया था, सॉरी चैप्टर 2, तब मैंने आपको बोला था पॉलिनोमियल्स बताते समय कि जो मैं फैक्टराइजेशन मेथड जो सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ, थोड़ा डीपली मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा बेसिक्स। यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है फाइंड आउट करना जरूरी है। जैसे मैंने वहां पे क्वाड्रेटिक के लिए बोला था क्या, जिस वेरिएबल्स के ऊपर पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा समझेंगे और क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है जिससे हम एक पता लगा ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है जिससे हमें लगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वेरिएबल का मीनिंग, देखिए इक्वेशन और क्वाड्रेटिक में समझिए एक बात, अगर मैं अभी बेसिक्स पे आ रहा हूं, सबसे पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये एक एक्सप्रेशन है। मैं इसको क्वाड्रेटिक इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि वेरिएबल्स के ऊपर पावर 2 है, समझिएगा बात। तो ये सिर्फ अभी तक क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, सिर्फ क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। अब इक्वेशन कब बनेगा, जब हम इक्वल टू इसमें 0 पुट अप कर दिए। अगर जब ये इक्वल टू 0 पूरा पुट कर दिया तब ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। अगर ये इक्वल टू में नहीं है तो ये क्या है, सिर्फ क्वाड्रेटिक है। अगर इक्वल टू 0 गया तो क्या हो गया, इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा बात, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, उसके क्या क्या कंडीशंस है, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन कभी कभी देगा और आपके एक्सरसाइज 4.1 में चीजें पूछी हुई है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो पहले हम इसको समझते हैं क्या क्या कंडीशन। देखिए सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका मान लीजिए एक एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सबसे फर्स्ट कंडीशन कि वेरिएबल्स के ऊपर पावर 2 होने ही चाहिए। वेरिएबल्स के ऊपर पावर 3 होगा तब तो क्यूबिक बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक तो ऐसे भी नहीं रहेगा। तो वेरिएबल्स के ऊपर पावर 2 हमेशा होना चाहिए, इज द सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो फैक्टर या कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो सबसे इंटरेस्टिंग है, अगर मान लो आपको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स रूट 3 प्लस 8 इक्वल टू 0, याद ध्यान समझिएगा पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि 2 तो होना ही चाहिए, उसके बाद के कंडीशन में एक्स अगर नहीं आता है 8 आ जाता है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स को वजह से, मतलब मैंने करने के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0 लिखा, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इशू कब है, अगर मैंने एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा तब ये नहीं है, अगर एक्स क्यूब मैंने लिख दिया प्लस 5 इक्वल टू 0 तब भी ये नहीं है, वो क्यूबिक हो जाएगा, क्लियर है। खैर इसमें अब मान लीजिए मैंने यहां ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 3 प्लस 8 इक्वल टू 0, यहां देखिएगा एक्स और रूट 3, इस रूट 3 को मैं पहले भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि यार एक्स मतलब रूट 3 एक्स के बाद कैसे आ सकते है, आ सकता है, वो तो बात बराबर है, कुछ वैसे नहीं है, मैं इसको ऐसा भी लिखता हूं। यहां पे क्या है, एक्स के साथ रूट 3 है, और एक दूसरा कंडीशन जो मैं आप बता रहा हूं उसको इससे रिलेट करिएगा तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, समझिए यहां पे एक्स क्या है, रूट के अंदर है, लेकिन यहां एक्स सिर्फ एक्स है, ये रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर यहां पे क्या है 3, यानी कि 3 क्या है कॉन्स्टेंट नंबर, एक्स तो यहां पे क्या है वेरिएबल्स है। कंडीशन ये है कि अगर वेरिएबल रूट के अंदर आ रहा है, मतलब एक्स अगर रूट के अंदर आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा किसी भी कीमत पे, आप समझ रहे मेरी बात। लेकिन अगर वेरिएबल्स को छोड़ के कोई भी इसके साथ नंबर जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है वो रूट में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो क्वाड्रेटिक होगा, बसरते कि उसका जो पावर है वो 2 होना चाहिए और प्लस एक्सप्रेशन सटीक होना चाहिए बस। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, अगर एक्स रूट के अंदर आ गया तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, समझ में आ रहा है आपको। पर कभी कांस्टेंट नंबर्स के साथ क्वाड्रेटिक में रहे या डेसिमल में रहे, इट डजंट मैटर, काम हो जाएगा, मतलब वो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है।
ये बेसिक्स था और चेक करने के लिए था। क्वाड्रेटिक मैंने भी बताया क्वाड्रेटिक कब होगा, इक्वेशन कब होगा। अब हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन मेथड पे जाएंगे, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड काफी इजी है और आपको पहले से आता भी है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिक्स हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड पे आते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल था, जो आपको बताया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यही एग्जांपल मैंने पॉलीनोमियल्स में भी लिया था। अब आप सिंपल यहाँ पे समझिएगा, मैंने आपको बोला तो उस समय मैं एक चीज बताऊंगा कि कैसे किसी भी जो आपको वैल्यू मतलब नंबर जो फाइंड आउट करना है 5 और 2 कैसे आ जाएगा, उसको मैं थोड़ा सा बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है ना, पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले फैक्टराइजेशन मेथड का मीनिंग क्या था, यही था कि बीच वाले नंबर को क्या करना है, पहले जो लास्ट वाला नंबर है 10 और एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने पे कोई भी दो नंबर को इतना आना चाहिए, और अगर आप बीच वाले नंबर 7x उस दोनों को प्लस करते हैं तो 7x के मतलब प्लस करने पे ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, और लास्ट का दोनों डिजिट हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्ल मतलब अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर लेट से रहता तो आपको आना चाहिए था 20x स्क्वायर, इस ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये रहेगा मतलब आपको फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है वो आना चाहिए, और बीच वाले को मतलब आना चाहिए उन दोनों नंबर को प्लस करने पे। अगर ये 20 रहता तो आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20x स्क्वायर है और जोड़ने पे उसको 7x आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो कि सिर्फ एक्स स्क्वायर में ले रहा हूं तो मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस करने पे 7x आना चाहिए। खैर, अब इसको समझिएगा, तो मैंने वहां पे लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ये थोड़ा इजी था तो हो भी गया, लेकिन आखिर अगर मान लीजिए आपको पता नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे। देखिए क्या करिएगा, जो कांस्टेंट नंबर है ना उसको आराम से पकड़िएगा, और एक कांस्टेंट का मीनिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे कांस्टेंट चूंकि यहाँ एक्स के वैल्यू 1 है इसलिए वो चीज हो रहा है, अगर मान लीजिए 2 रहता तो 20 लेके कैलकुलेट करते, 10 है उसको लीजिए और सिंपल इसको सबसे मिनिमम नंबर से डिवाइड करना शुरू कीजिए। मान लीजिए 2 से करते हैं 2 5 10, इसका आएगा तो कुछ ऐसे भी नहीं होगा 5 1 5, आपको पता चलिए दो नंबर मिला 2 5 1 तीन नंबर है, तो अब आप इसमें से आपको तो चाहिए दो नंबर, तो कोई भी आप इसमें से दो नंबर सेलेक्ट करिए, तो 2 और 5 अगर सेलेक्ट करते हैं तो 2 प्लस 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7, और हमें 7 चाहिए, और अगर आप 2 × 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 10, हमें 10 भी चाहिए। अब चूंकि एक्स स्क्वायर और एक्स में है तो उसके साथ एक्स ऐड कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए हम यहाँ पे 5x प्लस 2x ऐड कर रहे थे, तो उसका कोई इशू नहीं था। ठीक है, प्लस 10 हो गया, फिर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 2 × x प्लस 5, तो x प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर वाले को मैंने एक साथ रख लिया और ब्रैकेट के जो अंदर वाले कॉमन थे उसको एक साथ रख लिया। यहां से फिर हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे दोनों में, यहां से x की वैल्यू आ गई -2 और यहां से x की वैल्यू आ गई -5, यानी कि 2 उसके फैक्टराइजेशन मेथड से क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। सिंपल, यही आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, और फाइंड आउट करने के लिए आप यही तरीका अपनाएंगे चाहे किसी भी हो। अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में जैसे लेट से 252 हुआ है लास्ट का कांस्टेंट नंबर, ठीक है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो थोड़ा सा क्लोजेस्ट करो, आप 2 से भी करोगे तभी क्लोजेस्ट करो, मान लो 2 से आप कर रहे हो 126, फिर 2 से कर रहे हो 63, फिर आप 3 से करोगे 21, फिर 3 से 7, लेकिन आपको चाहिए तो दो ही नंबर ना। अब आप सोचोगे ये बस इतने सारे नंबर्स आ गए, देखो तो उसमें आपको ध्यान दे रहे हैं कि बीच के नंबर्स को ऐड करने पे क्या, मान लीजिए आप ऐसे ले सकते हैं, लेट से आप क्या करोगे, ऐसे सोचिए, मान लो आप लेते हो 2 2 4, एक नंबर 4 एक नंबर 3 लेके देखो क्या आता है कि नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें भी नहीं होता है तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 3 12, एक बच गया 3, ठीक है, तो 3 और यहाँ पे फिर एक 7 1 7, तो एक 12 और एक 3 लेकर देखो, उसमें भी बात नहीं बनती है, तो 2 2 4 3 12 12 3 36 और एक 7 लेकर देखो, मतलब इसी में से आपके दो नंबर होंगे डेफिनेटली है। आप उसको मल्टीप्लाई दो मान दो नंबर मल्टीप्लाई इधर से कर लिया, 2 ऊपर से करके देख लिया, 3 ऊपर से करके देख लिया, 2 2 4 3 12, ऊपर का 12 हो गया, नीचे का 21, एक 21 नंबर लो एक 12 लो, ऐड करके देखो उतना आता है नहीं, मल्टीप्लाई करके देखो उतना आता है कि नहीं, लेकिन आएगा इसी में से, मेरा पूरा गारंटी है आपको।
तो आप प्लीज हमेशा ट्राई करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कभी मत छोड़ना, क्योंकि बहुत ही इजी होते हैं, एक पूरा दिमाग में आपको बिठा के रखना है, ठीक है ना। ये अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा काम आसानी से हो जाएगा। तो आपको जो है एक कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड इसमें नहीं है, आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है। बुक में हालांकि वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आप उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। और बाद में एक सजेशन ये है कि जब आप इसके कुछ क्वेश्चंस वैसे होंगे जो थ्योरेटिकल कह लो आप, मतलब वर्ड्स में दिए रहेंगे, सिंपल ये सोचना कि वर्ड्स में अगर दिए, जैसे दिया रहेगा कि लेंथ जो है अगर एक्स था तो उसका इंक्रीज करके मतलब ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, उसका एरिया बढ़ गया, बहुत सारी इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे बोलेंगे कि एक पार्क है जिसका लेंथ या एक्स है और उसका जो विड्थ है वो उससे ज्यादा है टू टाइम्स, तो एक्स और टू एक्स हो गया, तो बताइए कि, और उनका पूछेगा कि फिर एरिया इतना दिया, बताइए एरिया ऑफ उसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक्स इंटू टू एक्स करोगे तो टू एक्स स्क्वायर आएगा। मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको किसी भी तरीके से करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है। मैं तब बता रहा हूं जब आपको एग्जाम में कुछ समझ में ना आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो आप उस डेटा के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। मैं लेकिन प्लीज बार बार रिपीट करो, मैं तब बोल रहा हूं जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तब खाली छोड़ना मतलब गुनाह है पेपर में, सच बता रहा हूँ। खाली छोड़ना तो पता नहीं कैसे लोग छोड़ देते हैं, खाली नहीं छोड़ना है। तो उसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी तरीके से बना लेना है, बस बात बाकी वो ऑटोमेटिक एक नतीजे पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर वही, तब जब आपको कुछ नहीं आ रहा, इसलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग इन एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो वो काम कर लेंगे। फिलहाल आप 4.1, 4.2 और उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन चाहें तो बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ फ्रूट्स कवर करेंगे, तब तक आप पूरा का पूरा आप कवर कर लीजिए, ठीक है।